चॉकलेट में पारंपरिक तरीके से बनी ये मैक्सिकन चॉकलेट डिस्क इतिहास में अपनी जगह जरूर बनाएंगी। कंपनी के संस्थापक एलेक्स व्हाइटमोर इसके अनूठे टेस्ट के बारे में बताते हैं। ताज़ा चॉकलेट का एक अनोखा दमदार फ्लेवर होता है और समरविल मैसाचुसेट्स की अपनी फैक्ट्री में ये लोग अतीत से प्रेरणा लेकर चॉकलेट बहुत ही मूल तरीके से बना रहे हैं। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। मेक्सिको के लोग हजारों सालों से चॉकलेट को इस तरह बनाते आए हैं। ककवा बीन्स सीमा के दक्षिणी हिस्से से यहाँ तक का लंबा सफर तय करती है, फिर फ्रैंक उन्हें मारते हैं। ककवा बीन्स ट्रॉपिकल इलाके से आती है। ये भूमध्य रेखा के नजदीक उगती है। ये बॉस्टन में नहीं उगती जहाँ हमारी फैक्ट्री है, इसलिए हमें इनकी तलाश में काफी दूर तक जाना पड़ता है। अगर बात गर्मी की हो तो ये बीन्स उससे नहीं घबराती। इन्हें तो 60 मिनट के लिए एक रोस्टर में डाला जाता है। चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया में फ्लेवर उभारने के लिए रोस्टिंग बहुत जरूरी है, इससे चॉकलेट का फ्लेवर निखरता है। लगता है कि ये मशीन काफी पुरानी है, मैं सही कह रहा हूँ ना फ्रैंक? हाँ, ये रोस्टर तो मुझसे भी पुराना है, मेरे दादा की उम्र का तो होगा ही। बेशक ये मशीन पुरानी है पर इसने हार नहीं मानी है। इसकी उम्र 50 साल है लेकिन ये अब भी बखूबी काम कर रही है। बीन्स को भूनने से न सिर्फ चॉकलेट का ज्यादा तगड़ा फ्लेवर रिलीज होता है बल्कि इससे कोको की गिरी भी अपने खोल से बाहर आ जाती है। भुनी हुई बीन्स अब एक विनोवर तक पहुंचती है जहां फ्रैंक कुछ नया करने वाले हैं। ये मेरा इलाका है, ये फ्रैंक का कमरा है। पहले विनोवर की धातु की बाजुएं बीन्स को तोड़ती हैं, फिर हवा हल्के छिलकों को भारी गिरियों से अलग करती है। छिलके से बाहर आकर तो इसकी लज्जत बढ़ गई। जब भारी गिरियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन्हें ग्राइंडर तक ले जाया जाता है। मैं ओहाका मेक्सिको के सफर पर गया था जिससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। वहाँ खाने से जुड़ी कमाल की परंपराएं हैं, उन्हीं में से एक है चॉकलेट। अजीब बात है, लोग तो आमतौर पर सफर से टी शर्ट लेकर लौटते हैं। मशीनें इन गिरियों को पीस कर पेस्ट बनाने के लिए हाथ से तराशे गए ग्रेनाइट मिलस्टोन्स का इस्तेमाल करती हैं। गिरियों को बहुत ध्यान से पीसने के लिए इन स्टोन मिल्स में धारियां और लाइनें बनाई जाती हैं। इन गिरियों में 50% कुदरती तेल होता है और ये मिल उसे कायम रखने में मदद करती है। ये काफी कुछ मूंगफली से पीनट बटर बनाने जैसा ही है। एक बार पीसना ही काफी नहीं होता, इसलिए इस पेस्ट को एक बार और मिल से गुजारा जाता है, पर इस बार थोड़ी सी शक्कर के साथ। दक्षिणी मेक्सिको में और मेक्सिकन चॉकलेट बनाने की मौजूदा पारंपरिक प्रक्रिया में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।